गाजीपुर पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह ने पुलिस चौकी का किया उद्घाटन, समाज सेवी राम पुकार सिंह रहे मौजूद। जी हाँ, खबर गाजीपुर से है, जहां सैदपुर खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित चौकी भुजहुआ का उद्घाटन आज एसपी ओमवीर सिंह द्वारा किया गया। वहीं एसपी ने उद्घाटन के दौरान उपस्थित आम जनमानस से कहा कि नई चौकी खुलने से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने में पुलिस को काफी सहूलियत मिलेगी। कप्तान ने बताया कि जनपद में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। इस काम को बेहतर तरीके से करने के लिए जिले के अलग अलग इलाकों में थाने और पुलिस चौकी होती है, ताकि नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव बना रहे, वे अपनी फरियाद लेकर वहां जा सकें। प्रदेश के जिलों में पुलिस का सबसे मजबूत केंद्र होता है पुलिस थाना, जहां थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी और कर्मचारी तैनात होते हैं। थाने का सबसे बड़ा अफसर एसओ और एसएचओ कहलाता है। थाना क्षेत्र काफी बड़े होते हैं, इसलिए थाने की सीमा में कई पुलिस चौकी भी स्थापित की जाती है, जिनका मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा थाना प्रभारी के निर्देशों का पालन करना होता है। पुलिस चौकी को आप थाने का एक छोटा कार्यकारी कार्यालय भी कह सकते हैं, जिसका इंचार्ज एक उप निरीक्षक होता है। इस पद पर तैनात एसआई को चौकी प्रभारी भी कहते हैं। जिला कप्तान ने बताया कि खानपुर थाना हमेशा क्षेत्र में तत्पर रहेगी। इस चौकी से यहां के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। जो भी समस्या होगी वो सारी समस्याओं का निदान इस पुलिस चौकी से किया जाएगा। लेकिन जब ये जिम्मेदार लोग मूक दर्शक बन जाते हैं तो फिर दिक्कत पैदा होती है, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं और ये प्रयास करते हैं पार्टी बनने का प्रयास करते हैं, तो गाँव में अनावश्यक तनाव पैदा होते हैं, लोग मरने मारने पर उतारू होते हैं। जो बातें, जो विवाद आसानी से सुलझाए जा सकते हैं उसे और बड़ा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। भाई किसे नहीं मालूम कि इस गांव में कौन कहां रह रहा है, किसका परिवार कहां रह रहा है, लेकिन अचानक कोई आदमी प्रकट होता है, कहता है साहब 20 साल पहले कोई एक फर्जी सा कागज लेके आएगा, कौन बुलाएगा ये वेरीफाई करने के लिए, दादा लिख गए या उसी में लोग परेशान घूम रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा आह्वान है, कम से कम जो जमीनी विवाद है, विशेष रूप से गांव में आबादी वाले विवाद हैं, उसमें थोड़ी सी सक्रिय भूमिका अगर समाज के जिम्मेदार लोग निभाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। वो अनावश्यक रूप से एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन जाती है, कभी कभी लोग अतिक्रमण करने लगते हैं इधर उधर की जमीनों पर, क्योंकि फिर वो गाँव में जब उसे अपनी जमीन नहीं मिलती तो वो ग्राम समाज की जमीन में चल देता है। ग्राम समाज की जमीन पे एसडीएम साहब तो चलने नहीं देंगे। मान लो लेखपाल से मिल मिला के अगर थोड़ा बहुत कहीं किसी ने अनदेखी कर भी दी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय इतने माध्यम हैं देखने के, हर जगह कैमरा है, कैमरा ने ये भी कैद कर रखी थी और आज क्या स्थिति है, तो कृपया करके इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक और अच्छे वातावरण को हम बना सकते हैं गांव के स्तर पर और